दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी के सभी लोगों को फ्री में बिजली नहीं दी जाएगी। सरकार ने सभी लोगों को एक समान तौर पर दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया है। दरअसल अब दिल्ली में सस्ती बिजली वैकल्पिक होगी, यानी अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली की सब्सिडी चाहता है तो उसको अभी इस तरह की सब्सिडी वाली मुफ्त बिजली दी जाएगी। लेकिन अगर कोई खुद को सक्षम समझता है तो वह दिल्ली सरकार को बता सकता है कि उसको बिजली सब्सिडी नहीं चाहिए और वह सामान्य दर वाली बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोग बिजली सब्सिडी का विकल्प चुन सकते हैं और 1 अक्टूबर से ये सुविधा जरूरतमंदों के लिए शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में बहुत से लोगों को फ्री में बिजली दी जाती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। कई लोगों ने कहा कि हम लोग सक्षम है, हमें फ्री में बिजली नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल आप विकास के लिए करें। आज दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे, हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए, अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। बता दें कि दिल्ली में सत्ता में आने के बाद से आपकी सरकार दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता, जबकि प्रतिमाह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलती है, साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन इसमें 1 अक्टूबर से बदलाव किया जा रहा है, जिसमें जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते वो दिल्ली सरकार को बता सकते हैं कि उन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।